दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे डाक विभाग GDS ऑनलाइन रिजल्ट के बारे में। कंफर्म यहाँ पे डेट आ चुकी है रिजल्ट के, कब आपका अनाउंस होगा। इसके अलावा मैं बात करूँगा कट ऑफ के बारे में। यहाँ पे कट ऑफ क्लियर कट यहाँ पे 50% है मिनिमम, कंफर्म बताऊँगा विद ऑथेंटिक प्रूफ के साथ में। इसके अलावा किन राज्यों में, किन स्टेट में यहाँ पे सबसे कम कट ऑफ रहने वाली है वो राज्य भी, प्लस इसके साथ ही साथ कौन सा कैटेगरी वाला यहाँ पे किस स्टेट में सबसे कम अगर आपके परसेंटेज है तो भी सिलेक्शन पा सकता है, सारा प्रूफ के साथ में, डिटेल के साथ में। बने रहिए इस चैनल के साथ में, शुरू से लेकर एंड तक बात करेंगे इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS रिजल्ट 2022 के कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ बताएंगे पूरा क्लियर कट यहां पे। तो सबसे पहले मैं कुछ एक पॉइंट्स पे यहां पे डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि बहुत से कम लोगों को पता है यहां पे जो 2018 की GDS वाली भर्ती थी उसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो 15,000 के आसपास थी, वहीं GDS 2020 में यहां पे 12,000 के आसपास थी। इसलिए वो जो कट ऑफ वाला वेरिएशन आ रहा था वो आ रहा था, लोग बोल रहे थे 90% जाएगी, तो वो परसेंट क्यों जा रही थी पिछली बार, क्योंकि पोस्टें बहुत कम थी। जैसे कि आप देख सकते हो 2018 में 15,000 थी, तो इसके हिसाब से यहां पे जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 84% गई थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 2020 में तो 12,000 पोस्टें थी, इसलिए वो जो कट ऑफ थी वो 90% गई है। तो ये कंफर्म यहाँ पे पूरा का पूरा डिपेंड होता है आपकी पोस्ट कितनी निकली हुई है। अगर अभी 2022 की मैं बात करूँ पोस्ट है, आप सभी को पता है यहाँ पे 38,000 किससे भी ज़्यादा पदों पे वैकेंसी है, तो कंफर्म है जो आपकी जो ये परसेंटेज रहेगी वो कंफर्म है यहाँ पे 80 से भी बिलो चली जाएगी। SC ST वाली आप देख सकते हो 2018 में कितनी गई थी, 2020 में आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्लियर कट है जो SC ST वाला है बंदा 2022 में यहाँ पे आराम से सेफ है 60% के आसपास। और वहीं अगर मैं बात करूँ OBC वाले की तो OBC वाला 70-80 के आसपास भी बिल्कुल सेफ। दोस्तों एक और मैं आपको बता देता हूं यहां पे, सबसे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट इस वीडियो का पार्ट रहेगा, इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS कट ऑफ 2022, ये सर्वे बेस्ड किसी इंस्टीट्यूशन, बड़े इंस्टीट्यूशन ने निकाली है ये कट ऑफ। यहां पे कंफर्म है इससे 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कंफर्म ये कट ऑफ आपकी रहने वाली है 2022 की, और ये सर्वे बेस्ड कट ऑफ है। बहुत से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, वो मैं पूरा आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये जो कट ऑफ निकाली गई है एग्जैक्ट पूरा कैलकुलेशन करके निकाली गई है। यूपी, गुजरात, कर्नाटक, केरला, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, झारखंड, सारे स्टेट इसमें आ गए हैं। और सबसे मिनिमम जो कट ऑफ है जम्मू के आप देख सकते हो 50.45 कट ऑफ गई है, सबसे मिनिमम कट ऑफ यहाँ पे। और वहीं अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ, मैक्सिमम 92.66 भी यहाँ पे किसी जोन में ये कट ऑफ गई है, तो ये हाईएस्ट और लोएस्ट जोन आप इसमें देख सकते हो। तो ये जो कट ऑफ का यहाँ पे डर बैठा रखा था कि 90 अबव जाएगी, तो दोस्तों कुछ एक स्टेट ऐसे है जहाँ पे 90 अबव जाएगी, 90 अबव भी खाली और खाली अनरिजर्व्ड की जाएगी। EWS OBC के आप देख सकते हो कोई भी यहाँ पे कट ऑफ 90 के पास भी नहीं है। वहीं SC ST वाले कट ऑफ भी आप देख सकते हो यहाँ पे, OBC में देख लीजिए 80% के आसपास अगर आपके हैं बिल्कुल सेफ हो आप। वहीं यहाँ पे 50% अगर आपके आ रहे तो आप PWD, अगर PWD में आते हो तो ही आप सेफ मानिए खुद को। 60% वाला SC ST में हो सकता है सिलेक्शन पा ले किसी स्टेट में, जैसे कि स्टेट यहाँ पे आप देख रहे हो। पॉज करके वीडियो को आराम से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पॉज करने के बाद में आपको एग्जैक्ट आप किस जोन में हो, कौन सी कैटेगरी है, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये कट ऑफ आपकी एग्जैक्ट यही रहने वाली है दोस्तों, बार बार मैं यही कह रहा हूँ। 80% आप देख लीजिए हिमाचल में, यहाँ पे 88% अनरिजर्व्ड की। वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे राजस्थान में 87.54 है अनरिजर्व्ड की। वहीं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आप 89.50 है अनरिजर्व्ड की। और OBC वाले वेरिएशन 4-5%, आप सभी को पता है। AWS वाली OBC से भी कम कट ऑफ जाएगी, ध्यान रखना एक बात मैं आपको बता दूँ। केरला की सबसे हाईएस्ट है 92.77, केरल में से ज्यादा जाने वाली है कट ऑफ। केरल में SC ST कैटेगरी में अगर आप आते हो तो 70 से ज्यादा नहीं जाएगी, ये मान के चलिए 91। वेस्ट बंगाल की आप देख सकते हो, यूपी में, इसके अलावा यहाँ पे MP में भी आप देख सकते हो 90 के आसपास ये कट ऑफ है। दोस्तों एक और मैं आपको बात बता देता हूँ, ये जो पूरी कट ऑफ है ये सर्वे बेस्ड ऑन कैंडिडेट डेटा, यानी कि कैंडिडेट से डेटा लिया गया था। और कहाँ पे लिखा गया था यहाँ पे, ये टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस, इन सभी से यहाँ पे ये डेटा कलेक्ट किया गया था कि उनके कितने मार्क्स हैं, और उनके उस हिसाब से यहाँ पे एक तरीके से ये पूरी की पूरी लिस्ट तैयार की गई थी। 50,000 से भी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट किया था, ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे टारगेट किया गया था। तो ये यहाँ पे उस हिसाब से यहाँ पे ये क्लियर किया गया है कि इतने के ये कट ऑफ, और ये 1-2% ऊपर नीचे रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी, कन्फर्म यही कट ऑफ आप मान के चलिए। GDS रिजल्ट 2022 यहाँ पे जो रिजल्ट आपका अनाउंस होने वाला है वो अगस्त मिड में यहाँ पे अनाउंस हो जाएगा आपका 2022 में। इसके अलावा जो फाइनल सिलेक्शन होना है आपका, ज्वाइनिंग मान के चलिए उसको या कुछ भी मान के चलिए, जो सिलेक्शन आपका कंफर्म हो जाएगा कि आप सेलेक्ट हो, वो नवंबर दिसंबर 2022 इसकी डेट है। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपके कितने मार्क्स हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।